गुड इवनिंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं बच्चों। आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। मैंने आप लोगों को परमिशन दे रखा माइक ऑन करने का। ओके बच्चों, तो आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, हाँ यज्ञेश माइक ऑन करो। Three particles are projected vertically upward from a point on the surface of Earth with velocity this. R is the radius, g is the acceleration due to gravity at the surface of maximum height. Maximum height में आपने जो गलती करी होगी ना, आपने ना जो potential energy लिखा उसमें R plus h लिखना। Kinetic plus potential is equals to potential at h1, ये होगा minus g m1 m2 by, अगर सेंटर से ले लोगे तो h डैश h1 डैश ले लो, और फिर h1 क्या आएगा, h1 will be equal to h1 dash minus r। समझा? समझा सर, वही गलती करी आपने। समझा? Let me lower your hand. Question number three. Diti, mic on karo. Yes, sir. Gravitational potential at the center of curvature of a hemispherical ball of radius r of mass m is v. Gravitational potential at the center of curvature of thin uniform wire of mass m bent into a semicircle is also v. If in part if wire is bent into quarter circle then is also v, or ye sari cheeze de rakhi hai, theek hai। Ab hemispherical bowl hai, yes sir, mass kahan pe hoga bowl ke liye, boundary par hoga, yes sir, boundary, boundary se sare elements ka distance kitna hoga, आर होगा, आर, यस सर। तो वी की वैल्यू क्या हो गई, जी इंटीग्रेशन डी एम बाय आर, जी एम बाय आर आ गया, यस, राइट। अब हम क्या कह रहे हैं ए पार्ट में, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ थिन वायर ऑफ मास एम बेंट इनटू अ सेमी सर्कल, राइट, यस, सेंटर, यहाँ सारे एलिमेंट्स का डिस्टेंस कितना है, आर, तो यही आ जाएगा, यस सर, समझा, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या दे रखा है, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल करो या कुछ भी करो, अगर डिस्टेंस आर ही रहेगा तो वी ही रहेगा, समझा, yes, क्या, यस सर, yes, है ना, नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। सेम वायर इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड बेंट इनटू सेमी सर्कल, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो भी एलिमेंट्स क्या होंगे, होंगे तो बाउंड्री पर ही, यस सर, बाउंड्री, तो भी वी ही रहेगा, समझा क्या, यस सर, आंसर ए बी सी आ जाएगा, यस, लोअर योर हैंड। रियान समझ में आ गया तो प्लीज लोअर योर हैंड, जिस भी बच्चे को समझ में आ गया लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर फोर, हाँ शुभम माइक ऑन करो। यस सर, क्या दिक्कत आ रहा है,
सर वो एक्चुअली डी ऑप्शन में सेम मास डेंसिटी अलग अलग है डी ऑप्शन डी ऑप्शन में दिक्कत है एस्केप वेलोसिटी क्या होती है रूट टू जी एम बाय आर राइट यस सर डेंसिटी क्या होगा एम बाय वॉल्यूम फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब तो डी वन बाय डी टू कितना आएगा आर टू बाय आर वन का होल क्यूब समझा क्वेश्चन नंबर फाइव पृथ्वीराज माइक ऑन करो यस सर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट यस सर सर वो भी अगर आपके अगर आपके ऊपर वो रखना है नजर तो इक्वेटोरियल प्लेन में रखना पड़ेगा यस सर क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन में हम घूमते हैं ना ऐसे यहाँ सन है ये ईस्ट है ये वेस्ट है तो ये ऐसे जाएगा सर मगर पोल्स पर भी हो सकता है अगर पोल्स पर नजर रखनी है तो ऐसा पोल्स पे नजर रखनी है तो रखेंगे यहीं पर ही ताकि आप उसको कवर कर सको पोल्स पे नहीं रखते कम्युनिकेशन सैटेलाइट उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है ना तो पोल तो अपनी जगह रोटेट करता रहेगा आपके अकॉर्डिंग यस सर राइट तो पोल्स के ऊपर नहीं रखते तो खड़ी हो जाएगी ना फिर हाँ राइट और सर उसके ऊपर नीचे भी नहीं रख सकते कहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन के इक्वेटोरियल प्लेन में रखते ठीक है ओके सर इन जनरल कम्युनिकेशन सैटेलाइट को इक्वेटोरियल प्लेन में रखते सर सी क्यों नहीं हो सकता अरे नहीं रखते ना मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको इंफॉर्मेशन है क्या ओके सर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन पृथ्वीराज पृथ्वीराज यस सर कौन सा सर सिक्स Earth satellite is moved from one stable orbit to another larger and stable circular orbit. The following quantities increase. आप क्या कर रहे हो? Larger है? Yes. तो t square proportional to r cube? Yes, sir. Inverse है ना? That is 2 pi by omega का whole square. R increases implies omega. Decreases. समझा सर उन्होंने increases पूछा है ना कौन सी quality increase होगी अच्छा increase पूछा sorry तो decreases आएगा फिर तो गलत है right gravitational potential energy less negative हो जाएगा हाँ less negative होगा yes sir मिल गया answer हाँ yes sir lower your hand क्वेश्चन नंबर सेवन ऋषिकेश माइक ऑन करो टू सैटेलाइट्स ऑफ सेम मास ऑफ अ प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स हैव पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दिस एंड दिस इफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट इज एक्स देन तो ये तो डायरेक्ट है ना टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब राइट तो क्या लिख सकता हूं T1 by T2 is R1 by R2 which is 32 by 256 की पावर 3 by 2 राइट सॉरी वेट 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 T square proportional to R cube है तो R कितना हो जाएगा T की पावर 2 by 3 R1 by R2 कितना आ जाएगा T1 which is 32 days
by T2, which is 56 days, key power 2 by 3. कर लोगे सॉल्व? यस सर. 1 is to 8 आ जाएगा? यस सर. R1 by R2, 4 आ गया, 1 by 4. Right? Yes, sir. बाकी एनर्जी वगैरह निकाल लेना. वेदांत कुछ बोलना है बच्चे? सर उसका सी ऑप्शन आप एक बार बता सकते हो? सी ऑप्शन में क्या दे रखा है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी. Mechanical is kinetic plus potential. Yes, sir. Minus GM1 M2 by R. 2R. Haan. Ho gaya proof? Right. Haan. Minus GM1 M2 by 2R. So, R2 kitna hai? 4 times of R1 hai? Yes. Ho gaya? Haan. Answer kya de raha hai 7th ka? B and C. Aa to raha hai? लेस नेगेटिव हो जाएगा ना? हाँ वही मिस्टेक हो गई वो नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 8. नाइन. हाँ पृथ्वीराज. नाइन्थ में डाउट है. अ सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. द मास ऑफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू मास ऑफ अर्थ. ओके मतलब अर्थ मूव नहीं करेगा. ओके द एक्सेलरेशन एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर. एलिप्टिकल ऑर्बिट है? यस सर. राइट सर्कल में हमेशा सेंटर की तरफ होता है. हाँ. यहाँ पे तो क्या होगा आपका इलिप्स है ना? यस सर. तो फोका है. ओके है ना. एक सेकंड तो भी एक the angular momentum of S about the center of Earth changes in direction but its magnitude remains constant. Angular momentum to conserve kar sakte hai about center of Earth. Ye to galat ho gaya. Total mechanical energy of S varies periodically with time. Mechanical energy kya rahega? Constant hi rahega. Total hai na? Total energy to conserve hi rahega na bachche? उन्होंने सिर्फ सर सैटेलाइट का पूछा है ना सिस्टम का थोड़ी. हाँ तो सैटेलाइट का तो कंजर्व रहेगा ना बच्चे. पोटेंशियल चेंज हो जाएगा काइनेटिक बढ़ जाएगा. काइनेटिक चेंज हो जाएगा पोटेंशियल बढ़ जाएगा. हाँ यस सर. एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना. हाँ सर. लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेंस कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड गलत है. ए ऑप्शन आ जाएगा आंसर. ओके सर. राइट लीनियर मोमेंटम की कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा. सॉरी लीनियर मोमेंटम क्यों नहीं रहेगा कांस्टेंट? वेलोसिटी चेंज. वेलोसिटी चेंज हो रही है ना? हां यस सर. यस सर. मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो रही है वेलोसिटी तो एलिप्टिकल पाथ में. यस सर. यस सर. यहां पे अलग होगी यहां अलग होगी. ये फोका है. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा फोकाई की तरफ होगा. यस सर. डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ का है ये रहा सेंटर ऑफ अर्थ. यस सर. मिशन समझा? विद्या समझा? यस सर. क्वेश्चन नंबर 10. दियांश माइक ऑन करो. सर खाली सी ऑप्शन. हाँ सर सी ऑप्शन. सैटेलाइट ऑर्बिट्स एज क्लोज टू अर्थ सरफेस एज पॉसिबल. स्पीड इज मैक्सिमम. टाइम पीरियड टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस सैटेलाइट इज मिनिमम. आंसर क्या यही है ना सी ऑप्शन? सर मालूम एक मिनट देखते हैं. एक मिनट रुक जाओ. अगर हम देखेंगे तो स्पीड इज मैक्सिमम तो वी ऑर्बिटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर. सही है? यस सर. पीरियड इज मिनिमम. यस सर. स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. सही है? यस सर. राइट टोटल एनर्जी माइनस जीएम1 एम2 बाय 2r होता है. यस सर. तो r को रिड्यूस करूंगा तो नेगेटिव वाला जो नंबर है वो बढ़ जाएगा तो स्पीड हेलो सर. सर आपकी आवाज सर नहीं. सर ये नहीं सुनूंगा.
फ्रीज हो गया बच्चों, जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे रीकनेक्ट करने दो. आवाज आ रही है बच्चों? हाँ सर. मैं क्या कह रहा था, टोटल एनर्जी तो मिनिमम होगा क्योंकि आर डिक्रीज हो जाएगा. सर कैसे, एक बार वापस बता सकते हो? सरफेस ऑफ अर्थ के पास में ना, तो आर की वैल्यू तो डिक्रीज होगी. यस सर. आर डिक्रीज होगा तो माइनस में नंबर बढ़ जाएगा. यस सर. आप माइनस साइन की गलतियां कर रहे हो बार बार सब लोग. यस सर, मेरे को समझा. हाँ हाँ, मेरे को लग रहा था सर टोटल एनर्जी में और भी कुछ आएगा उसके अलावा. टोटल एनर्जी तो वही होती है ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. हाँ हाँ सर, समझ गया सर. सर छोटा सिली डाउट आ रहा है, मतलब पूछू. कहानी बनाओ आप पहले तो. सॉरी सर, टोटल एनर्जी तो कंजर्व करते हैं ना हम लोग. बट अगर कंजर्व करते तो एक रेडियस के लिए होती है ना, माइनस जी एम वन एम टू बाय टू आर. अब मैं अगर आर को चेंज करूंगा तो कंजर्व होगा बट दूसरे रेडियस पे होगा. अच्छा, यस सर, समझा. राइट, यस सर. क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज थ्री देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर या हाँ क्वेश्चन वन टू थ्री. क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन. हाँ वेदांत. हाँ सर. क्या दे रखा है वेदांत क्वेश्चन नंबर वन में हमें? वी कैन टू बाय द प्लैनेट अलोंग एसीबी एंड एसीबी. राइट. यस सर. ये एसीबी है. हाँ. और ये एडीसी है, एडीबी या बीडी है? यस सर. अज्यूमिंग ऐसे घूम रहा है. अब एसीबी का और बीडीए का इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल होगा क्या? द आंसर इज नो. क्यों? यहां से ये होगा एक तो एरिया. अच्छा राइट. आपने दोनों को इक्वल कर दिया होगा. हाँ. सन तो फोकाई पर है ना, सेंटर पे थोड़ी है. Yes, sir. Right? Yes, sir. Thank you, sir. I guess B option आएगा answer. Yes, sir. Question number two. Question number three. पृथ्वीराज माइक ऑन करो. यस सर. इफ अ टनल इज कट एट एनी ओरिएंटेशन थ्रू द अर्थ देन अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम वन एंड विल द एंड विल रीच द अदर एंड इन टाइम. नेग्लेक्ट रोटेशन ऑफ अर्थ. उठा के इसको एंड में सॉल्व कर देते हैं. ओके सर. सबसे पहले अर्थ बनाते हैं. यस सर. राइट. अब इसमें एक टनल बनाएंगे. यस सर. यहां से
यहाँ पे, क्योंकि किसी भी ओरिएंटेशन की हो सकती है. यस सर. राइट, तो ये हमारी टनल हो गई. राइट. यस सर. अब हमने यहां से रिलीज किया है ना एम मास को, वी इक्वल टू जीरो. राइट. यस. एसएचएम कितना हुआ है हमारा? दो लेक्चर हुआ है सर. क्या क्या पढ़ाया सर ने ये बताओ. फेस पढ़ाया सर. फेस पढ़ाया. ओके चलो, खैर कोई बात. ग्रेविटेशनल फोर्स देख लेते हैं पर क्या हो रहा है ना. यस. तो किसी भी इंस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स देख लेते हैं. ओके. यस. और उसके बाद अपन बाकी सारी चीजें देख लेंगे. एक बार तो इसको हटा देते हैं. ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है. यहां से जो डिस्टेंस है ये आ रही है. यस. मान लो बॉल यहां पर है. राइट. यस. यहां पर है तो इसके लिए मास ऑफ अर्थ कौन सा लिया जाएगा? यस सर. ये वाला लिया जाएगा. यस सर. है ना. Yes. अब जब ये वाला मास ऑफ अर्थ लूंगा तो m earth dash will be equal to m by 4 by 3 pi re cube into 4 by 3 pi. है ना. यहां से मैं डिस्टेंस ले लेता हूं ये x नहीं स्मॉल r ले लेते हैं. स्मॉल r क्यूब. यस. करेक्ट. यस सर. m e dash कितना आ गया? m r क्यूब by re क्यूब. करेक्ट. यस सर. यहाँ पे एफ ग्रेविटेशन कितना होगा? एफ ग्रेविटेशन होगा जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर. यस सर. जी एम एम ई डैश बाय आर स्क्वायर. यस. जी एम बाय आर स्क्वायर. एम ई डैश की वैल्यू डालूं? यस सर. ये मास ऑफ अर्थ एम ई आर क्यूब बाय आर ई क्यूब. करेक्ट. यस. तो ये आ गया जी एम एम ई बाय आर ई क्यूब इंटू स्मॉल आर. यस सर. ये हमारा डायरेक्शन है एफ ग्रेविटेशन का. यस सर. करेक्ट. यस सर. अब एफ ग्रेविटेशन का डायरेक्शन ये है. यहां पे लेट मी फ्रेम अ ट्राइंगल. यस. ये ट्राइंगल बना दिया हमने. राइट. Yes, अगर मैं ये एंगल फाई लेता हूं तो इधर क्या लगेगा? एफ जी कॉस फाई. एफ ई एफ जी कॉस फाई. राइट. कॉस फाइव का यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने एक्स लिया है. राइट. तो एफ ग्रेविटेशन कॉस फाइव विल बी इक्वल टू व्हाट? जी एम एम ई बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर. कॉस फाइव एक्स बाय स्मॉल आर. यस. A, acceleration of mass m will be F gravitation cos phi by small m. Yes. यहां पे ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे. Yes, sir. Right. What will be left with is G m m e into x by r cube. Yes, sir. Correct. है ना. Radius of earth को मैं r ले लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं कैपिटल आर क्यूब. Yes. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? जी एम
एम ई एक्स बाय आर क्यूब बाय एम एम सेम कैंसिल यस सर जी एम ई बाय आर क्यूब इनटू एक्स राइट यस सर ये एक्सेलरेशन आ गया यस और नो यस सर ओके अब अगर मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया वीडीवी बाय डीएस करके कर सकते हैं एक मिनट को ना यार ये मोशन एसएचएम होगा क्या ये बात समझ में आती है क्या नहीं सर डायरेक्टली नीचे जाएगा ना क्या डायरेक्टली ऐसे नीचे जाएगा ना एसएचएम पे नीचे जाएगा बट मोशन एसएचएम होगा मोशन एसएचएम क्यों होगा क्योंकि बाद में डायरेक्शन चेंज करेगा सुनो मेरी बात डिस्प्लेसमेंट यहाँ है फोर्स किधर लग रहा है नीचे लग रहा है यस सर फिर जब वो इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा फोर्स किधर लगने लग जाएगा उधर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा हाँ सर तो दिस मोशन इज गोइंग टू बी एसएचएम व्हिच इज गोइंग टू बी व्हाट ओमेगा स्क्वायर एक्स मोशन इज गोइंग टू बी एसएचएम तो ओमेगा आ जाएगा हमारा अंडर रूट जी एम ई बाय आर क्यूब यस सर सो टाइम पीरियड इज टू पाई बाय ओमेगा सो टू पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम ई हमारा टाइम होगा टी बाय टू क्योंकि हमें आधा ही ऑसिलेशन निकालना है ना यस सर तो कितना आएगा पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम ई समझा क्या यस सर और सर वो एस एच एम का जो पूरा कम्प्लीट करेगा वो मतलब यहाँ से नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा क्या मैं मोशन बता देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दिख रहा है इस फिगर हाँ. को थोड़ा सा खराब करता हूँ फिर सही करूंगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर होगा हाँ. जैसे यहाँ पहुंचा ग्रेविटेशनल फोर्स इधर हाँ. यहाँ पहुंचा ग्रेविटेशनल फोर्स इधर इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का नेट फोर्स इधर आने लग जाएगा और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो डायरेक्शन भी चेंज होता है यही होता है एसएचएम में यस सर समझा हाँ सर करो सर और ये नहीं सुना आपने अभी किया ग्रेविटेशनल फोर्स एसएचएम में जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है हाँ सर फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है यस अगर फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो हम क्या देख सकते हैं ये हमारा मोशन एसएचएम होगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन होती है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन राइट सर ये फर्स्ट पार्ट है सर जो आपने रुको मोशन इज एसएचएम बिकॉज एफ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑपोजिट टू इट जिस भी बच्चों को अब डाउट है रेज हैंड करो मैं एक एक करके उसका माइक ऑन कर रहा हूँ हाँ ऋषिकेश बोलो पृथ्वीराज स्क्रीनशॉट ले और मुझे ग्रुप पे भेजो ओके शुभम बोलो यस सर लड़के फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा उसका जो कंपोनेंट होगा वो नीचे आएगा डिस्प्लेसमेंट ऊपर आएगा समझा ऑपोजिट हो गया यहाँ पे जब देखूंगा तो फोर्स सेंटर की तरफ होगा तो उसका कंपोनेंट ऊपर आएगा और डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा यस बेसिकली इसमें मीन पोजीशन ये वाली होगी
यज्ञेश बोलो, निशिम बोलो। सर नहीं सर, कुछ सर डाउट क्लियर हो गया मेरा। लोअर योर हैंड जिसका हो गया। यश सर एक्सीलरेशन में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स क्यों ने लिया सर? अरे डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड लिख रहे ना। राइट जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे ग्रुप पे भेजने दो। ये सर मुझे छोड़ के सबसे भेज दिया ना। ओके क्वेश्चन नंबर फोर। हाँ मनस्वी। यस सर। अब ये मुझे बताओ, एपोगी क्लोजेस्ट पॉइंट होता है पेरिगी होता है? पेरिगी। ओके एट व्हाट पॉइंट, सॉरी एट व्हाट पॉइंट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट डज द कंपेनियन स्टार अटेन इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब होगी जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है? यस सर। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है तो जहां पे उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा, मैग्नीट्यूड मिनिमम कहां होगा? जहां आर मैक्सिमम है। यस सर। आर मैक्सिमम है तो हमारा उस जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? लेस नेगेटिव होगा। लेस नेगेटिव। यस सर। क्या देख सकते हैं? या फिर मैं एक और चीज से डायरेक्टली देख सकता हूँ ना, इतना करने की जरूरत नहीं। काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी से आता है ना बच्चे? यस सर। और मैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकता हूँ, एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यस सर। एल वी वन, सॉरी एम वी वन आर वन इज इक्वल टू एम V2 yes, R2. Yes, sir. So V1 R1 is equals to V2 R2. Right? Yes, so यहाँ पे मुझे पता है RP is less than RA. RA. Yes, sir. So this implies VP is greater than V VA. Yes, sir. हाँ तो बराबर maximum kinetic energy. Right. Sorry. Yes, sir. थैंक यू सर। वेलकम। बोलो निशम। सर आपने जो लॉजिक बोला सर पहले, सर उसमें क्या गलती होगी? सर उसमें अगर कैसे सोचे तो फिर मतलब रेडियस इधर मैक्सिमम होगा सर, उधर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाएगा सर, है ना? एक मिनट। माइनस जीएमएम बाय आर। यस सर। राइट। अब वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं करती ना बच्चे? हाँ सर। बट ठीक है, देखते जाओ। माइनस जी एम एम वन बाय आर पी प्लस काइनेटिक एनर्जी पी माइनस जी एम एम वन बाय आर ए काइनेटिक एनर्जी एट ए, करेक्ट? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? उन्होंने रिलेशन भी दिया है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। तो डायरेक्टली यूज कर लो ना फिर तो, यार रिलेशन दे रखा है तो मतलब क्वेश्चन रीड ही नहीं किया। काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ डेल्टा यू, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली लिख दो ना लड़के।
सर मैं वैसे सोचा जैसे आपने क्या नाम दिया मेरे को जी एम हाँ वो वैसे भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा टू आर राइट हाँ सर आर पी इज लेस देन आर ए यस के पी इज ग्रेटर देन के ए यस सर समझ आ गया Fine. Question number 5. Question number 6. आप पृथ्वीराज माइक ऑन करो सर 6 में डाउट है क्या दे रखा है वर्क डन ऑन कंपैरिजन स्टार इन वन कंप्लीट ऑर्बिट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ब्लैक होल इक्वल्स ओके क्या क्या दे रखा है हमें इसमें ऑप्शंस जीरो ही आएगा ना वर्क डन तो क्या दिक्कत है क्योंकि सर हमें उसके परपेंडिकुलर होगा इसलिए और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही है हाँ फुल साइकिल में यस सर मुझे लगा कुछ और ऑप्शन होगा क्वेश्चन 7 शुभम Yes, sir. For a circular orbit, which of the following gives correct expression of total energy? Minus GM1 M2 by 2R होता है ना? Half negative of kinetic energy होता तो है? Yes, sir. हाँ. इतने tough question कैसे doubt आ रहे हैं आपको? Question number 8. Question number 9. Ten, 11, 12. Sriraj, mic on करो. Sir, 12 में doubt है. क्या क्या दे रखा है 12 में? From a solid sphere of radius r, a hole of radius r by 2 is cut as shown in figure to find the magnitude of gravitational potential. Gravitational field at O, we can directly subtract potential is this. The same can be done. ठीक है, the region is ठीक है. अभी leave कर दो इसको. Okay sir. क्यों? ये हम पढ़ेंगे electrostats में. आने ही वाला है. इस month में mostly मैं करा दूँगा. Okay. Electrostats complete हो गया तो. Right? Yes sir. क्योंकि वैसे भी अभी मैंने potential पढ़ाया नहीं है, तो ये देख लेंगे अपन. वो Gauss law slow पढ़ने के बाद. Question 13. आप पृथ्वी राज माइक ऑन करो यस सर 13 में डाउट एट हाइट एच फ्रॉम ग्राउंड एंड एट डेप्थ एच बिलो द ग्राउंड वेयर एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस बोथ साइड हाँ तो बी सही है राइट हाँ ए गलत है ना सर ये गलत क्यों है मैंने सॉल्व किया था गलत आया रहा फॉर्मूले में डालो जो भी आएगा आ जाएगा हाँ मगर सर उन्होंने आंसर दिया है बी देखो पहली चीज इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज मत करना क्योंकि वे कंपेरेबल है हाँ नहीं नहीं सर मैंने अबो वाले नहीं किया इनसाइड द अर्थ वाले में किया अप्रोक्सीमेशन दोनों में भी करना है ना ओके ओके सर और ये एक चीज देखना आपने जो गलती करी होगी मैं आपको बता देता हूँ करते भी हाँ. हमारे फॉर्मूले में डेप्थ एच इज बिलो द ग्राउंड है ना हाँ, तो हमारा जो आर होगा वो 0.38 होगा हाँ सर ये ध्यान रखना यस सर और फिर उसके बाद अगर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज हो रहा है तो करके देख लेना आई गेस आ जाएगा आंसर ओके सर थैंक यू बी ऑप्शन है यस सर मुझे ऐसा याद है मैंने पिछले साल सॉल्व कराया था तो Question 14, 15, okay, exercise 4 में कितने सवाल हैं? 12 ही question है क्या हुआ यार?
सर क्वेश्चन 15 मोहम्मद रजान फ्रीज हो गया मेरा जब तक बोलो सर क्वेश्चन 15 समझा नहीं 15 समझा नहीं 15 में क्या दे रखा है लाउडली कॉल आउट करो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट इज मेड 2 टाइम्स देन इट्स एरियल वेलोसिटी विल आल्सो बिकम 2 टाइम्स एसर्टेशन एरियल वेलोसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी होता है यस सर एंड एरिया पाई आर स्क्वायर वेलोसिटी रूट जी एम ई बाय आर होता है यस सर तो डाल के देखो ना फिर कहां से आ रहा है या सर समझा आ गया आंसर थैंक यू सर बच्चों आवाज आ रही है क्या मैंने रिकनेक्ट किया है सर आवाज आ रही है सर ठीक है तो एक्सरसाइज 3 डन एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 हाँ निशम सर 3 में डाउट क्या दिक्कत है इसमें फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन ऑफ मास एम एंड अ थिन यूनिफॉर्म मास एम and a thin uniform rod of mass m and length l if they are located along a straight line at a distance a from each other ye de rakha hai main sir main kya karta hu yahan se x distance se bx width consider kar leta hu yes sir iska mass kitna hoga m by l into dx main sir to potential energy kitni aayegi माइनस जी एम डी एम ये मेरा डीएम हो गया हाँ सर डीएम हो गया एम बाय एल डी एक्स बाय व्हाट एक्स एक्स यस सर राइट इसको इंटीग्रेट करा दो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कराओगे सर ए टू एक्स इक्वल टू ए ए प्लस एल तक हाँ सर आ जाएगा आंसर यस माइनस जी m square by l 1 by x का इंटीग्रेशन कितना का ln x आएगा ln x ln a plus l upon a लिमिट्स को सबट्रैक्ट करेंगे तो log a minus log b log a by b राइट अरिंजा बोलो क्या बोलना है नहीं सर डाउट था हो गया क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का याद है यस है ना लिमिट्स में मैं चेंज कर देता हूं वो a हमने सेंटर से लिया है राइट तो एल बाय टू ऐड होगा उसमें वो ध्यान रखना पड़ेगा राइट वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अभी जैसे आंसर देखा तो मुझे क्लिक कर गया कि मैंने लिमिट्स में गलती करी है मुझे भी यही आंसर आ रहा था ए ए से लेकर ए प्लस एल बाय टू होगा ये एल क्यों नहीं सर बच्चे यहां से यहां तक एलिमेंट है ना हाँ तो ये a माइनस l बाय टू से लेकर a प्लस l बाय टू तक नहीं होगी लिमिट अच्छा हाँ यस सर a माइनस सेंटर से डिस्टेंस है ना अच्छा यस सर गलती समझ लिमिट्स गलत लिमिट्स गलत सब्स्टिट्यूट करी थी मैंने मैंने भी वही मिस्टेक लोअर योर हैंड क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 4 माइक ऑन करो दीप्ति वेदांत यस यस इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो देयर इज अ स्फेरिकल कैविटी हुज सेंटर इज एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर यार ये छोड़ दो ना यार ये क्वेश्चंस क्यों पढ़ने हैं अभी कर लेंगे अपन छोड़ दो अभी सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है हां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे ओके सर सर इसमें सर मतलब आंसर आ गया मेरा तो मतलब क्यों गलत मेथड है क्या सर मतलब पता नहीं आंसर आ सकता है बट मेरे पास यार एक बहुत छोटी टेक्निक है मतलब वो करने की कैविटी वाला मैंने नोट्स पूरे भेज दिए क्या आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नहीं सर नहीं भेजा आप लोग
नहीं भेजें क्या? नहीं सर, उसमें कैविटी वाले है एंड में, मैं भी डाल देता हूँ ग्रुप पे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 या 3 था वो. Just give me a minute, मैं पोस्ट कर रहा हूँ. हाँ बच्चों, सेंड कर दिया, उसमें देख लेना एंड में है. ओके, आई एम ऑडिबल टू यू? हाँ, आवाज आ रही है. क्वेश्चन नंबर 5. सिक्स. हाँ वेदांत. सो फिफ्थ में था. फिफ्थ में डाउट है. हाँ सर. अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ fixed uniform semicircular ring of radius r and mass m. Calculate the interaction force. तो क्या दिक्कत है? gm1 m2 by r आ जाएगा ना? अच्छा, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट तो यहीं पर ही है, तो यहाँ से सबका डिस्टेंस फिक्स ही हो गया ना सारे एलिमेंट्स का. राइट सर. क्या दे रखा है आंसर? कुछ और दे रखा है क्या? टू जी एम एम कैपिटल एम बाई पाई आर स्क्वायर. हाँ तो दिक्कत क्या है? वो पाई आर स्क्वायर एरिया लिया ना. यस सर. हाँ राइट. वेदांत लोअर योर हैंड. क्वेश्चन नंबर 6. ओके मनस्वी, माइक ऑन करो. यस सर. अ सर्टेन ट्रिपल स्टार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 stars ईच ऑफ मास m रिवॉल्विंग अबाउट अ सेंट्रल स्टार मास कैपिटल m इन सेम सर्कुलर ऑर्बिट. द स्टार स्टे एट अपोजिट एंड्स ऑफ डायमीटर सर्कुलर ऑर्बिट. डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज r. तो ठीक है यार, देखो इसमें कुछ नहीं करना. 3 stars है ना ये बड़ा स्टार, यहाँ एक छोटा स्टार है, यहाँ एक छोटा स्टार है. राइट. यस सर. अब ये हमेशा ऐसे घूमते हैं. इसको नाम 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया. इस पे नेट फोर्स कितना आएगा? F1 plus F2 आएगा. दैट विल प्रोवाइड यू ए सेंट्रिपिटल. F1 की वैल्यू देखते जाना. जी स्मॉल m कैपिटल m बाय r स्क्वायर. और F2 की वैल्यू में गलती करोगे आप, जी small m by 2r का स्क्वायर. क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है? r है. r और वो ये भी डिस्टेंस r है. यस सर. तो ऐड करके 2r. यस सर. है ना. और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? f1 plus f2 is m a centripetal which is m omega square और capital r. क्योंकि सर्कुलर मोशन का रेडियस तो यही है ना. यस सर. रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन. राइट. यस सर. कर लोगे सॉल्व? यस सर, हो जाएगा. ओमेगा निकलते ही टाइम पीरियड आ गया 2π बाय ओमेगा. यस सर. थैंक यू सर. वेलकम. क्वेश्चन नंबर 9. सर 8 में डाउट है. सॉरी
हीट नहीं बताया था, कौन सा डिस्कस किया था अभी हमने, सिक्स किया था, सॉरी आप, क्वेश्चन नंबर सेवन, लोअर योर हैंड, माइक ऑफ करो, लोअर, क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन नंबर एट, सेवन में डाउट है क्या मोहम्मद अजलान? यस सर. फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मास एंड इनफाइनाइट रॉड ऑफ लैम्डा, लैम्डा बाय एक्स दे रखा है, तो एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स कंसीडर करना लड़के. यस सर, किया पर इनफाइनाइट रॉड है. हां तो क्या दिक्कत है, लिमिट्स डालेंगे ना, एक्स इक्वल टू डी से लेके एक्स इक्वल टू इंफिनिटी तक. यस सर, हो जाएगा. यस सर, हो जाएगा, हो जाएगा. थैंक यू. डीएम कितना आएगा, लैम्डा डीएक्स आएगा. यस सर. क्वेश्चन नंबर एट, माइक ऑन करो निशिम. इनसाइड एन आइसोलेटेड फिक्स्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर of an uniform density rho, there is a spherical cavity of radius r by 2 such that surface of cavity passes through, ye to pata hai, a particle of mass m is released from rest from center, calculate this. to yaar kya karna hai, energy conserve karni hai. ha sir, yahan pe aur yahan pe energy conserve kar dena, theek hai, aur baki to apne aane hi wala hai ye sab. energy kaise conserve karoge, yahan pe aapko release kiya hai to vv 0 hai, यहाँ पे सिर्फ यू वी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, वी सी निकालना है और यहाँ यू सी आएगा. यू बी कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ ए इनटू मास एम, राइट? श्योर. नहीं समझा चाहिए. अरे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास होता है ना, क्योंकि पोटेंशियल वन के जी का वो, राइट? मैं करवा दूंगा ये क्वेश्चंस, डोंट वरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करवाऊंगा ये सब. हां सर, वही डाउट आ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी में डाउट. माइक ऑफ करो, लोअर योर हैंड. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, टेंथ में किसी को डाउट नहीं है? डाउट है माइक ऑन. टेन में क्या दे रखा है, अ मैन कैन जंप ओवर 4 meter वाइड ट्रेंच ऑन अर्थ इफ मीन डेंसिटी ऑफ एन इमेजिनरी प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस सो दैट मैन एस्केप्स बाय जंपिंग इट. ठीक है, बेसिकली अर्थ पे कूद रहा है, अर्थ पे जब कूदेगा तो कितना कूद रहा है, 4 meter. बच्चों, am I audible to you? दित्ती माइक ऑन करो. अर्थ पे कितना कूद रहा है, 4 meter कूद रहा है बच्चों? Yes sir. अब अर्थ पे वो कर रहा है 4 meter, तो मैं यहाँ पे आर मैक्स, रेंज मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है ना? Yes sir. तो वी नॉट स्क्वायर बाय जी आ जाएगा. Yes sir. राइट, ये कितना दे रखा है, 4, तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v नॉट की रूट 4g. यस करेक्ट. अब ये क्या होनी चाहिए, दिस शुड बी व्हाट, एस्केप वेलोसिटी फॉर सेकंड प्लैनेट, यस और नो? यस सर, सेकंड प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए. Yes, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी होगी तभी तो कर पाएगा. Yes. Right? अब मीन डेंसिटी क्या दे रखा है, ट्वाइस दे रखा है, तो वी एस्केप कितना होता है, अंडर रूट 2 जी एम बाय आर. राइट, ये हमें कितना है, अंडर रूट 4g, करेक्ट? यस. लास्ट पार्ट यहाँ सॉल्व करता हूँ, जी की वैल्यू कितनी है, जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर, करेक्ट? यस सर, है ना? मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, और मुझे निकालना क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ही निकालना है. यस सर. मास ऑफ प्लैनेट कितना होगा, जिसकी मीन डेंसिटी कितनी है, 2 times डेंसिटी प्लैनेट इंटू 4 बाय 3
पाई आर क्यूब. यस सर. डेंसिटी प्लैनेट कितना दे रखा है? ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ. यस. टू इनटू एमई बाय फोर बाय थ्री पाई आर ई क्यूब. कर लोगे क्या सॉल्व? यस सर. समझा? यस. स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप पे भेज दो. श्योर. सर यहाँ पे आपने शो जी कॉन्स्टेंट कैसे माना? मतलब उसकी चार मीटर ही कूद रहा है ना, छोटा सा ही तो है. हाँ सर. 400,000 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर ऐसा कूद रहा होता तो जी को वेरिएबल मान लेता. यस सर. राइट. जितनी स्क्रीनशॉट ले लिया क्या बच्चे? यस सर भेजा. ठीक है. Just one. Okay. Question number 11. Question number 12. Nishi, mic on karo. So, ये वही अप्रोच है जो अभी आपने कराया था. अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हो? 12 से. 12. फाइंड अज्यूम दैट अ टनल इज डग अक्रॉस द अर्थ रेडियस आर पासिंग थ्रू सेंटर. सेंटर से पास कभी. अब फाइंड द टाइम अ पार्टिकल टेक्स टू रीच सेंटर ऑफ अर्थ इफ इट इज प्रोजेक्टेड इनटू अ टनल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद स्पीड नीडेड टू एस्केप. तो अब यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी से हमने अंदर की तरफ प्रोजेक्ट किया है. राइट. यहां तक का निकालना है. निकाल पाओगे? सेम अप्रोच लगा देना, एक्सेलरेशन और वो सब निकाल के कर लेना. हां सर, वो कर लूंगा. यस. एफर्ट मारना नहीं आया तो पूछ लेना. ओके सर. ओके. चलो मैं कल बताता हूँ आपको डीपीपी का डिस्कशन कब होगा. मोस्टली कल इवनिंग में रखने का सोचा है मैंने, बट आई विल अपडेट यू. किसी को कोई और डाउट? बोलो निशिम जल्दी. सर आप कौन सा डीपी बोल रहे हो? ग्रेविटेशन वाले. ग्रेविटेशन वाले. ग्रेविटेशन वाले. अभी ग्रेविटेशन करेंगे ना इस वीक तो. हाँ मतलब पहले खत्म तो इस वीक. अब इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करेंगे बट ग्रेविटेशन हमारा वो हो गया ना. एचसीवी का डिस्कशन. एचसीवी का यस सर. बाकी है. क्या बाकी है बच्चे? कितना बाकी है बता दो यार. 27 तक ही हुआ है. कितने क्वेश्चन है देखने दो आप. उसके लिए भी एक लेक्चर रख लेंगे फिर. अभी तो फर्स्ट वाली होगी ना. चैप्टर कौन सा पता है क्या? यही 11th. अच्छा 27 तक हो गया है तो ठीक है. 8-10 क्वेश्चन ही ना, साथ ही देख लेंगे. पहले ये कंप्लीट करा दूंगा फिर वो करा दूंगा डीपीपी. ओके चलो बच्चों.